A warm welcome to all of you. You know, मैंने एक series start की थी on the analysis of syllabus. That was not only the series, that was like crash course in which I explained all the concepts to you. लेकिन साथ ही मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि आपके लिए एक news अच्छी भी है. It's a very good news. लेकिन it's a bad news as well. जो कोविड की थर्ड वेव है दैट इज स्टार्टेड आप देख भी या सकते हो मे बी बिकॉज ऑफ दिस आपके एग्जाम्स डिले हो सकते हैं लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ यू हैव टू लीव योर स्टडीज यू हैव टू कंटिन्यूअसली स्टडी आज का जो लेक्चर है इट्स ऑन बेसिक साइंसेज देखिए इसको बेसिक साइंसेज इसीलिए कहा गया है क्योंकि यू हैव टू रीड द बेसिक लेवल ऑफ साइंसेज आपको साइंस में पीएचडी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको सिर्फ बेसिक साइंस स्टडी करना है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अंडरस्टैंड करना है जो आपका बेसिक साइंस है बेसिक साइंस हम यूजुअली क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में एक फर्स्ट इज फिजिक्स देन यू हैव द केमिस्ट्री देन यू हैव द बायोलॉजी आज का जो लेक्चर है इट्स बेस्ड ऑन द फिजिक्स यहाँ पे हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे साइंस का देखिए जो आपका फिजिक्स है आपका फिजिक्स इज अ वेरी गुड बुक वेरी गुड सब्जेक्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स विद इन द फिजिक्स फिजिक्स में क्या क्या पढ़ोगे आप सो जो आपका फिजिक्स है फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी टॉपिक्स जो पहला टॉपिक यू आर गोइंग टू स्टडी इन द फिजिक्स दैट्स मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स So mechanics and kinematics, it's all about the motion of bodies. You study the motion of bodies. इसमें जो पहला concept है, there's a physical quantities and its measurement. देखिए, 1971 से पहले आपकी जितनी भी physical quantities थी, like आपको land measures करना था. USA में एक system था, India में दूसरा system था. India में अलग-अलग states थी, अलग-अलग states में अलग-अलग system था. आपको किसी चीज को या ऐसे ही अलग अलग फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं एक केजी हुआ करता था आज भी हम पाव कहते लाइक मेनी अलग अलग मतलब मेजर करने का जो यूनिट था देर वॉज नो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट फिर 1971 में जितने भी साइंटिस्ट थे उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन जेनीवा इन 1971 उन्होंने एक यूनिवर्सल सिस्टम व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजर्स इन लोगों ने कहा देयर आर सेवन बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट्स लेंथ mass time electric current temperature luminous intensity and amount of a substance jo aapki length hai iska unit rakha gaya meter mass ka kilogram time ka second electric current ka ampere temperature ka kelvin luminous intensity ka candela amount of substance ka mole these are the seven बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज इसके बाद हमारी आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज जितनी भी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम इन बेसिक यूनिट्स बेसिक क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट से डिराइव करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करेंगे देखिए आपकी जो स्पीड है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन डिस्टेंस यहां पे आता है लेंथ इट्स अ मीटर आपका टाइम आता है सेकंड इट्स अ सेकंड इट्स अ मास इट्स अ मीटर पर यूनिट सेकंड सॉरी इट्स अ मीटर सो इसका जो यूनिट हुआ दैट्स अ मीटर पर यूनिट सेकंड लेकिन ये हमने डिराइव किया फंडामेंटल क्वांटिटीज से दीज आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज सो ये आपकी बेसिक क्वांटिटी रही डिराइव्ड क्वांटिटी में सीपी डिस्टेंस फोर्स एनर्जी इम्पल्स मोमेंटम जितनी भी क्वांटिटीज आती है उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं और एक कंसेप्ट है इसमें अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने लाइक एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक या एक स्टार से दूसरे स्टार तक उसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं लाइट ईयर देखिए लाइट ईयर सिंपली मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर सब इंस्पेक्ट का एग्जाम हुआ था वहां पे आप देख सकते हैं लाइट ईयर का क्वेश्चन आ रहा है कितना इजी है लाइट ईयर इज सिंपली एसोसिएटेड विद
आप चारों में खुद ही बता सकते हो किससे एसोसिएटेड, और कमेंट सेक्शन में जरूर कहना। उसके बाद आपका आता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटीज होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें आपकी स्पीड आती है, इसमें आपका आपकी डिस्टेंस आती है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। ये एक आप टेबल बना लेना, वहां पे देख लेना कि स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन से। देन यू हैव द वेक्टर क्वांटिटीज, जहां पे हमारी डायरेक्शन भी है, जहां पे हमारी मैग्नीट्यूड भी, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द रेस्ट, अबाउट द मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। ये पहला चैप्टर है। फॉर एग्जांपल लेट मी डिस्कस द रेस्ट। हम एक बॉडी को कहते हैं, ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉडी, ये पेन को समझिए एक बॉडी है। हम कब कहेंगे ये बॉडी किस में रेस्ट में, कब कहेंगे दिस बॉडी इज इन द मोशन? अगर ये बॉडी एक जगह पे, ये अपनी फॉर अ टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन जहां पे बॉडी से टू बी इन मोशन कब, या बॉडी से टू बी इन रेस्ट कब, जब ये अपनी सराउंडिंग्स विद चेंज ऑफ टाइम, इसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है विद द चेंज इन टाइम। ये एक ही जगह है, अभी 2 बजे थे, 2:10 में इट्स एट द सेम प्लेस। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट रहा द मोशन, ये वो कंसेप्ट है जहां पे एक बॉडी विद सराउंडिंग्स अपनी जो पोजीशन होती है वो चेंज करती है विद चेंजिंग टाइम। उसके बाद आपका दो और कंसेप्ट आते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यू हैव टू स्टडी द स्पीड वेलोसिटी। स्पीड इज सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम। देन यू हैव द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम। देन यू हैव द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिंपली मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम। ये सुना ही होगा आपने गाड़ियों में, हम गाड़ियों को एक्सेलरेट करते हैं। देन यू हैव द प्रोजेक्टाइल्स मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ये आपका रहा इस वाले चैप्टर में मोशन में, ये भी सारा मैकेनिक्स ही चल रहा है। देन यू विल स्टडी अबाउट द फोर्स। फोर्स किसको कहते हैं? पुल और पुश वी चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फॉर एग्जांपल हमारी एक बॉडी है, ये इट्स ये किस स्टेट में, इसका इसकी जो स्टेट है दैट इज द रेस्ट। मैंने इसको यहां से फोर्स किया, इट चेंज इट्स जो इसका स्टेट था ये रेस्ट, इसको मैंने चेंज किया, दैट्स कॉल्ड द फोर्स। फोर्स का जो यूनिट है दैट्स न्यूटन मीटर पर सेकंड। देन यू हैव टू स्टडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। इन दोनों को पढ़ना। सेंट्रीफ्यूगल लाइक आपकी बॉडी जो सर्कुलर, जिसकी सर्कुलर मोशन होती है, हमेशा टेंड करती है टुवर्ड्स द सेंटर। यू हैव टू स्टडी अबाउट दीज टू फोर्स। इनमें से सीडो फोर्स किसको कहते हैं? देन यू विल स्टडी द न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको first law of motion, then you will study about the second law of motion. The second law of motion is called force, is called mass into acceleration. Second law of motion samajhne ke liye aap to momentum study karoge and conservation of linear momentum study karoge. Then you have the third law of motion, one of the famous law of motion. Isme aap ye bhi aap study karoge, the 3 laws of motion. Then you have the friction. Friction kya hoti hai, iski alag alag types hai, वो भी आप स्टडीज करोगे, लाइक स्टैटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक ये फ्रिक्शन। देन यू विल स्टडी अबाउट द वर्क। वर्क ये किसको कहते हैं? वर्क इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका जो यूनिट है दैट इज अ जूल। उसके बाद द एनर्जी। ये एनर्जी होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी के 2 टाइप से हमारे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देन यू हैव लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इज अ वेरी गुड ये कंसेप्ट, ये भी पढ़ोगे आप। देन यू हैव द पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इसका जो यूनिट है दैट इज अ वाट। उसके बाद आप ओक्लूजन भी स्टडीज करोगे। इसके बाद यू विल स्टडी अबाउट द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। यू विल स्टडी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये कॉन्सेप्ट दिया था न्यूटन ने। न्यूटन कहता है कि जितनी भी बॉडीज इस यूनिवर्स में है जिनका मास है, वो आपस में एक दूसरे को खींचती है। ये इसको कहा गया था ग्रेविटेशन। फिर ये लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल Gm1m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस r2। देन यू विल स्टडी 2 कॉन्सेप्ट्स, मास एंड वेट। मास और वेट में क्या फर्क है? देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द सैटेलाइट्स। देखिए सैटेलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड।
सैटेलाइट एक्चुअली के थे, सैटेलाइट इज अ बॉडी जो प्लेनेट के जो प्लेनेट की रिवॉल्व जो प्लेनेट के सर्कुलर में लाइक आप जो प्लेनेट की सर्कुलर मोशन करती है, जैसे हमारा अर्थ है इट्स राउंड्स अराउंड द सन, सैटेलाइट्स राउंड्स अराउंड द प्लेनेट, प्लेनेट्स दीज राउंड्स अराउंड द प्लेनेट उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट हमारी टू टाइप्स की होती है, मैन मेड सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में आपकी मून आती है, आप जुपिटर की जितनी भी सैटेलाइट से, हमारी अर्थ की सैटेलाइट से, सैटर्न की सैटेलाइट से, देन यू हैव द मैन मेड सैटेलाइट। इसमें टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट, यू विल स्टडी अबाउट देम। देन यू विल स्टडी अबाउट द एस्केप वेलोसिटी, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट। एस्केप वेलोसिटी जो अर्थ की ग्रेविटेशन है, अर्थ की ग्रेविटेशन को पार करने के लिए हर एक बॉडी को एक एक वेलोसिटी होनी, दैट्स 11.2 किलोमीटर। इस ग्रेविटेशन जो ये कॉन्स्टेंट है, इसको छोड़ने के लिए यू नीड दिस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। देन यू विल स्टडी दैट, दिस वाज अ फर्स्ट चैप्टर मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स, इसमें आप इतने कंसेप्ट पढ़ोगे। देन यू हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहले सॉलिड्स, सॉलिड्स में आप इलास्टिसिटी स्टडी करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी पोजिशन में फिर से आता है, दैट इज इलास्टिसिटी। देन यू हैव द कंसेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी, अगर वो अपनी पोजिशन में न आए, आपने किसी बॉडी को खींचा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉयल होती है, आप इसको खींचते हो ये फिर से वापस आ जाती है, अगर आपको आप इसको इतना खींचोगे कि ये अपनी ऑरिजिनल पोजिशन में नहीं आए, दैट्स कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। देन यू विल स्टडी अबाउट द सिट्रेन, सिट्रस, हुक्स लॉ। देन यू विल स्टडी अबाउट द फ्लूइड्स, फ्लूइड डेंसिटी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, पास्कल्स लॉ क्या होती है, बयोंसी क्या होती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं, पानी नीचे से इसको एक फोर्स अप्लाई करता है जिससे ये सरफेस पे ही रहता है। देन यू विल स्टडी अबाउट दिस कंसेप्ट इज अ वेरी, ये सारे कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटीज में आप स्टडी करोगे बर्नौलीज थ्योरम, आपके पेपर में भी आया था इसके बारे में, बर्नौलीज ये कंसेप्ट में स्क्रीन पे देख सकते हो। देन दिस इज द सेकंड चैप्टर, देन यू हैव द थर्ड चैप्टर वेव मोशन। वेव मोशन में यू विल स्टडी अबाउट द वेव्स, में आप पहले स्टडी करोगे मैकेनिकल वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं इट्स ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आपकी टू टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्सल वेव्स। हम इसको फर्दर वेव्स के बाद यू विल स्टडी वेव्स जो आपकी दो तरह की वेव्स होती है। पहले मैंने जो कहा उसमें वेव्स में आप मैकेनिकल वेव्स में आप मैंने कहा लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल वेव्स, उनमें कुछ ये कंसेप्ट्स है, एम्पलीट्यूड, फेज, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये चार कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। देन यू विल स्टडी अबाउट द साउंड वेव। देखिए साउंड वेव में आपके पेपर में क्वेश्चन आया था यू कैन सी द स्क्रीन, फिर आप जो आपकी साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक एक ह्यूमन ईयर सुन सकता है, इसके ऊपर और इससे नीचे नहीं सुन सकता है, इसके नीचे वाले इससे 20 हर्ट्ज से नीचे वेव्स को क्या कहते हैं, यू विल स्टडी द डॉपलर इफेक्ट इन इट। उसके बाद और एक चैप्टर आता है आपका हीट आता है, उसमें आप हीट स्टडी करोगे, स्पेसिफिक हीट स्टडी करोगे। यू विल स्टडी अबाउट द पायरोमीटर्स किस काम के, नीचे बता देना कमेंट सेक्शन में पायरोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं। देन यू विल स्टडी अबाउट द थर्मोडायनामिक्स, इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देन यू विल स्टडी द लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इसमें आप रिफ्लेक्शन में पढ़ोगे मिरर्स एंड इट्स टाइप्स, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। इसी तरह आप स्टडी करोगे, यू विल स्टडी अबाउट द लेंसेज, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। आप स्टडी करोगे पावर ऑफ लेंसेज। देन यू विल स्टडी अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट यह कंसेप्ट है। आप ह्यूमन आई को भी स्टडीज करोगे यहाँ पे, यू विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन आई। उसके बाद ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, कैटरैक्ट, ये सारे कंसेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं, इसको अच्छे से स्टडी करना। फिर इसके बाद जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी वायर, यू विल स्टडी अबाउट द कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, यू विल स्टडी अबाउट द करंट, इसके क्या यूनिट से, यू विल स्टडी अबाउट द रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, वोल्टोमीटर। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक सेल स्टडी करोगे, इसमें प्राइमरी सेल आती है, सेकेंडरी सेल आती है। देन यू विल स्टडी अबाउट द मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म में आप डिनमो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना. फाइनल टॉपिक जो आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, व्हाई यू विल स्टडी अबाउट द कैथोड रेज, एनोड रेज, यू विल स्टडी अबाउट द रेडियो एक्टिविटी. ये जो सारे टॉपिक्स है ये आपके आते हैं फिजिक्स के. थैंक्स फॉर वॉचिंग.